नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसी अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। आजमगढ़ की निजामाबाद तहसील क्षेत्र के वड़रिया गांव में आज उप जिलाधिकारी निजामाबाद बूथ संख्या 251 पर पहुंचकर BLO निर्मला से बातचीत कर मतदाता पहचान पत्र बनवाने के फॉर्म भरने की जानकारी ली। और उसके बाद जिलाधिकारी निजामाबाद संत रंजन ने घर जाकर लोगों से बातचीत कर कहा कि 18 वर्ष पूर्ण युवक युवती अपने BLO से फॉर्म लेकर जमा कर दें, जिससे आगामी चुनाव में उनका मतदाता पहचान पत्र बन सके। गांव भ्रमण के समय जिलाधिकारी को 24 लोगों का फॉर्म भरवाया गया। उन्होंने बताया कि आज निजामाबाद, बड़रिया, खातिरपुर गांव में निरीक्षण किया गया और भ्रमण कर घर लोगों को मतदाता पहचान पत्र बनवाने की जिम्मेदारी भी दी गई। सर, आज सारा कार्यक्रम है जनपद में, आज पोलियो का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, बूथ की जा रही है। बूथ के माध्यम से हम जगह जगह बूथ लगा करके बच्चों को पिला रहे हैं। कल से घर घर का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें घर जाकर के छूटे हुए बच्चों को पिलाएंगे। 11 तारीख से 15 तारीख तक ये अभियान घर घर चला जाएगा और 18 तारीख को हमारा जो बच्चे अवशेष रहेंगे इसके राउंड के बाद भी बी टीम एक्टिविटी के दौरान उनको दवाइयाँ पिलाएंगे। तो यहाँ बूथ लगा था, बूथ सर आज 57 दवाई पिलाए, 57 बच्चों को दवाई पिलाई गई और डॉक्टर साहब अभी विकसित संकल्प भारत यात्रा में गए हुए। बाकी जगह वैक्सीन वगैरह पर्याप्त मात्रा में। सर ये जो है आप जहाँ पे हैं कौन सा बूथ है, क्या यहाँ की स्थिति है? निजामाबाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बूथ है। यहाँ पर सारे स्टाफ बूथ के जो भी हैं उपस्थित हैं। अभी तक 57 लोगों को दवाइयाँ पिलाई गई हैं, 57 बच्चों को। बाकी टीम बुला बुला के बच्चों को पिलाई। धन्यवाद सर।